हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर, एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे आज हम बात करने वाले हैं स्टडी इन अब्रॉड वाले सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बारे में. यस, सो वी हैव हिमांशु विद अस. हिमांशु मेरे कॉलेज का फ्रेंड है और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडीज कर रहा है. विल नो एवरीथिंग अबाउट हिम और किस तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया, जहाँ से उसने क्या पढ़ाई की, किस तरह से पढ़ाई चल रही है वहां का, एकेडमिक्स कैसा होता है, लाइफस्टाइल कैसी होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सो शुरू करते हैं हिमांशु से. हाय हिमांशु, कैसा है? बस एकदम बढ़िया. ओके, अब बताओ. हम एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं. सबसे पहले विच इंजीनियरिंग यू डिड, क्योंकि मैंने किसी बच्चों को बताया नहीं कि हम साथ में ऐसा करते हैं. एग्जैक्टली, सो हमने साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की और ठाकुर कॉलेज यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स किया. मुंबई यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट. तो हमने मुंबई यूनिवर्सिटी से साथ में इंजीनियरिंग की है. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हम दोनों ने एक ही जगह से की, आगे पीछे की बेंच पे यूजुअली बैठ के करी है. तो बार तो जस्ट अच्छा, इंजीनियरिंग कैसा था, इंजीनियरिंग का सफर कैसा था? हाउ वाज इंजीनियरिंग फॉर यू? यार, शॉर्ट में बोलूं तो हिंदी का भी सफर था, इंग्लिश का भी सफर था. अच्छा, बट टू एलैबोरेट, इंजीनियरिंग लाइक तभी तो ऐसा लगता था कि क्योंकि मैं इतना अच्छा इंजीनियर नहीं हूं या मे बी मेरा इतना अच्छा उसमें ग्रिप नहीं है, तभी ऐसा लगता था कि काफी वेस्ट हो गया. लेकिन नाउ दैट आई लुक बैक ऑन इट, काफी अच्छा था. लाइक इवन दो टेक्निकल टर्म्स में इतना नहीं सीखा, बट ओवरऑल डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है. तो लाइक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इंजीनियरिंग में जैसे हम लोग कैलकुलस सीखते हैं, एंड वन कैन आर्ग्यू कि कैलकुलस आगे किधर यूज करेगा. मतलब काफी एक गुड मेजोरिटी ऑफ लोग आगे नहीं यूज करेंगे, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि हम सिर्फ कैलकुलस नहीं सीख रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख रहे हैं. एंड दैट सॉफ्ट स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो. मतलब आप टूल्स कलेक्ट करके उसको जोड़ के एक आंसर तक कैसे पहुंचते हो, उसको आप कैलकुलस से हटा के आप अपने लाइफ में भी कहीं भी लगा सकते हो. एंड ऐसी काफी सारी चीजें जो इंजीनियरिंग ने सिखाई, और नाउ दैट आई लुक बैक ऑन इट, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. हिमांशु, तुझे पता है सिर्फ अभी तक में दो ही लोग ने मुझे ऐसा, मतलब मैथ्स को लेकर, मेरा तो परसेप्शन ऐसा ही है मैथ्स को लेकर, मतलब फिजिक्स तो ज्यादा करके मैथ्स के साथ में चलता है. सो मैं मैथ्स को इतना वो नहीं करता, बट मुझे सिर्फ दो ही लोग, एक तूने अभी बताया था और एक आशीष, आशीष वो मेरे साथ में था. तो ये दो ही लोगों से मैं ऐसा मैथ्स के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज सुन रहा हूँ. अदरवाइज तो सब बस ये कंप्लेन ही करते हैं कि वाई डू वी स्टडी कैलकुलस, ये सब की जरूरत नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वैसा. तो उनके हिसाब से मैथमेटिक्स को सिर्फ ऐसा डम डाउन करके सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से ही रखना चाहिए, ऐसा बोलने का मतलब बन जाता है. तो नहीं यार, धीरे धीरे लोग समझेंगे. हाँ, तो वैसे बहुत जरूरी है. एनी विच वेज, सो इंजीनियरिंग एक एडवेंचरस रहा इन शॉर्ट. सो आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाट वाज योर थॉट कि अभी हायर स्टडीज करना है टुवर्ड्स इंजीनियरिंग स्ट्रीम और टुवर्ड्स मैनेजमेंट स्ट्रीम? व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव? So I'll be honest, during the last parts of my engineering, I was slightly discouraged when it came to me being an engineer, me having those skills and how well can I be implemented. So in simple terms, main dhang ka tha, like mujhe concepts samajhte the, I could have done something, but I was never going to be the best at it. So maine socha ki mere aur ड्यूरिंग इंजीनियरिंग मैंने थोड़ी इंटर्नशिप की थी, ये सब किया, तो मुझे समझ गया कि मैनेजमेंट में मेरा थोड़ा फ्लेयर है. तो मैंने एक इंजीनियरिंग फर्म ज्वाइन किया, बट इन इट्स बी टू बी सेल्स एंड मार्केटिंग साइड. तो मतलब मैं मेरे कस्टमर्स को एडवाइस, मतलब टेक्निकल कंसल्टिंग देता था, प्लस न्यू कस्टमर्स अक्वायर करना, सेल्स एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट भी उसमें लाता गया. और तभी मुझे ऐसे समझा कि यू नो, मे बी मैनेजमेंट हैज अ बेटर फ्यूचर फॉर मी. बट मैनेजमेंट में वो टेक्निकल नॉलेज यूज हो जाता है वैसा. इफ यू नो टेक्निकल थिंग्स बेटर, तो मैनेजमेंट करना भी इजी रह जाता है ना. इट अगेन कम्स बैक टू द एग्जांपल आई गेव, राइट, कि तुम सिर्फ
टेक्निकली नहीं सीख रहे हो, तुम काफी कुछ सीख रहे हो, और मैनेजमेंट इज मोर अ सॉफ्ट स्किल देन अ हार्ड स्किल, तो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, बट हाँ अभी आप जैसे यार एक सिंपल से बोलो, अभी ठीक है आई विल गेट अ लॉट ऑफ शिट फॉर दिस, बट हम इंजीनियर्स 9 to 5 कॉलेज जाते हैं, ठीक है, कॉमर्स वाले 4 घंटा जाते हैं, उनको पता नहीं 9 to 5 होता क्या है, तो हम पहले से ही उतना बैठ के उतना दिमाग लगाओ, एक जगह बैठे रहो, गधा मजदूरी करो, वो सब हम लोग को पहले से ही आता है, तो वी आर गुड 2-3 steps अहेड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन, बट एक बेसिक में बता रहा हूँ, लाइक ऑब्वियसली सीए अभी एक कुछ ऐसी स्ट्रीम्स है जो लोग काफी ज्यादा पढ़ते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक जेन इफ आई जनरलाइज इट मेजोरिटी के टर्म्स में बात करूं तो ऐसे ही होता है, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव कि आप एमबीए भी देख लो, कहीं भी देख लो, इंजीनियर्स थोड़े ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मैथ्स का एडवांटेज हो जाता है, तुम्हारा हार्ड वर्किंग ये सब का एडवांटेज हो जाता है, हार्ड वर्क आप ज्यादा डालते हो, ये सब के वजह से आई गेस इट गेव मी अ लेग अप. वैसे मैं इंजीनियरिंग की जर्नी का एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि कैसी स्किल्स जो इंजीनियरिंग से मतलब तूने, ऐसी कौन सी स्किल्स है जो इंजीनियरिंग की वजह से तुझे मिली ऐसा, या तो वो नर्चर हुई? तो जैसे आई बिलीव कि मैं लॉजिकल तो स्टार्टिंग से ही था, बट एक एल्गोरिथमिक थिंकिंग आती है विच इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू लाइक इन मार्केटिंग टर्म्स जर्नी मैपिंग, कस्टमर जर्नी मैपिंग, मतलब क्या होता है कि आप एक एल्गोरिथम के हिसाब से सोचते हो, तो आप आपको सपोज कुछ आपको सपोज एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जैसे तो आप कंपनी सीधा, में होते हैं सॉरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होती है जैसे कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में वैसे? नॉट नॉट एग्जैक्टली दैट, इट्स लाइक आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत सिंप्लीफाई करके और उसको आप अप्रोच कर सकते हो, कि आपको पता है ठीक है अच्छा मेरे को ये टास्क डी अचीव करना है, तो मेरा स्टेप ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, तो एक एल्गोरिदम आपके दिमाग में बैठ जाता है कि ठीक है पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, तो इससे जो एक फ्लो बनता है आपके दिमाग में, और ये सब आई एम गेसिंग इंजीनियरिंग की वजह से मैं सीखा हूँ ऐसे सोचना. अच्छा, एंड वन स्किल अगर कोई अगर मुझे ऐड करनी हो इसमें तो? प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आएगा, मतलब ग्रेट. ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो आपका लोग ढूंढते हैं. ओके, सो वंस वी कंप्लीटेड आर इंजीनियरिंग इन 2018, राइट, उसके बाद में क्या मतलब डायरेक्टली कॉलेज, डायरेक्टली हायर स्टडीज के लिए जाने का सोचा, या फिर पहले एक्सपीरियंस लेके? अगर मैं एक्सपीरियंस लेके जाने का सोचता हूँ तो कितना अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस सफिशिएंट होता है, या फिर एक्सपीरियंस लेके जाना बेटर होता है, विदाउट एक्सपीरियंस जाना बेटर होता है? हाउ डू यार यू थिंक? डिपेंड्स आप जा रहे हो, अभी जैसे अगर मैं मैनेजमेंट डिग्री के लिए, मैनेजमेंट डिग्री करना है तो एक्सपीरियंस लेकर ही जाओ, बहुत अच्छा रहे, क्योंकि आप सीधा सीधा रिलेट कर पा रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो और आपके एक्सपीरियंस जो हुआ है आप सीधा रिलेट कर पाओगे, आपके लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाएंगे, तो मैं खुद यहाँ मैनेजमेंट डिग्री के लिए आया था तो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी बेटर रहा. बट कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने सीधा नहीं सोचा था कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं जो कंपनी ज्वाइन किया देवर प्राइमरीली एक्सपोर्टर्स, तो मेरे जो कस्टमर्स, हम लोग का 96% ऑफ प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड, तो मेरे कस्टमर्स वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड अ बिट ऑफ कनाडा एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप, बट वो इतने नहीं थे, तो इससे मुझे और भी लोगों से बात करने का मौका मिला, और भी कंट्रीज के उनका वर्क लाइफ कैसा रहता है, उनका थिंकिंग कैसा है, और तभी मैंने सोचा कि तभी मुझे लगा कि काफी डिफरेंट है ये इंडिया से, तो बाहर जाके मुझे और भी बहुत कुछ देखने मिलेगा, तो बाय लाइक 6 months इनटू इट मैं बाहर जाने के बारे में सोचना शुरू किया, तो 2019 के स्टार्ट में बोल सकते हैं. 19 के स्टार्ट में. ओके, सो हाउ डिड यू डिसाइडेड अबाउट ऑस्ट्रेलिया, कि ऑस्ट्रेलिया ही जाना है? श्योर. सो दिस वॉज वेरी बेसिक, तो मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया था कि आई वॉन्टेड एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, बिकॉज आई वॉजंट वेरी कीन ऑन लर्निंग एन अदर लैंग्वेज. हाँ, सो आई नैरोड इट डाउन टू 3 countries विच वर इंग्लिश स्पीकिंग. यूएस, या यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया.
इसमें फिर मेरा सेकंड क्राइटेरिया आ जाता है, विच वॉज आई वॉन्टेड अ गुड कॉलेज, मतलब गुड इन द सेंस वर्ल्ड रैंक में जो है. और तीसरा ये क्राइटेरिया आ जाता है कि मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा उनमें से. क्योंकि एज आई मेंशन इंजीनियरिंग तो जस्ट पास हुआ है, तो ग्रेड्स कभी इतने अच्छे नहीं थे. तो ये तीन मिला के, इवन तो मुझे बाकी भी कंट्रीज से ऑफर आया, लाइक यूएस में भी डैलस से एक ऑफर आया था, यूके में भी, आयरलैंड में कोई ऑफर आया था, और ऑस्ट्रेलिया में एक दो ऑफर आए थे. तो गिवन द रैंकिंग्स ऑफ द कॉलेजेस एंड बंच ऑफ अदर फैक्टर्स जैसे वर्क लाइफ बैलेंस, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो यू नो तुम्हें टीवी शोज में भी देखने नहीं मिलेगी, तो इधर का कल्चर जनरली यही आके एक्सपीरियंस कर पाओगे. तुम्हें इधर कैसे कोई शोज पॉपुलर नहीं है कि तुम्हें ज्यादा पता हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ना, मतलब हाउ टू एक्सपीरियंस अ कल्चर यू नेवर हर्ड ऑफ इट. लाइक वो तो है, सॉफ्ट पावर तो सिर्फ यूएस का ही है. हाँ, तो लाइक आप शोज देखते तो यूएस के, मुश्किल से यू नो आजकल गाने बहुत फेमस हो रहे, ये सब हो रहे, तो यूके के बारे में थोड़ा पता चलता है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ भी नहीं पता. तो ऑस्ट्रेलिया एक वैसा एडवेंचर रहेगा, एक थोड़ा एक्साइटमेंट था, और इन तीनों में से वर्क लाइफ बैलेंस सबसे अच्छा ऑस्ट्रेलिया का था. तो एज लाइक चलो ऑस्ट्रेलिया ट्राई करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसके लिए. So, मैंने ये देखा कनाडा को कंसीडर नहीं किया था, क्यों यार? पहली बात तो मैंने सुना था कि उधर अच्छे कॉलेजेस के लिए रहा, मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए. अच्छा. तो मैं बोला करो, एंड सेकंडली ठंड बहुत है. ओके, सो ऑस्ट्रेलिया का वेदर ऐसे इतना एक्सट्रीम नहीं है जैसे अभी मेलबर्न का वेदर, थोड़ा सा एक्सट्रीम है बट इतना नहीं. अभी जैसे फिलहाल टेम्परेचर कुछ 9 degrees है, इट इज ऑलमोस्ट 8 इन द इवनिंग और 9 degrees है टेम्परेचर, और इधर विंटर्स में जाके भी 0 तक ही जाता है और बाकी टाइम प्लेजेंट रहता है. तो इतना भी एक्सट्रीम नहीं है कि बर्फ पड़े. समझा. ओके, तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वैसे कौन सी एक एग्जाम देनी पड़ी, IELTS या फिर GMAT, GRE? मैंने सिर्फ IELTS दिया था. Okay. इधर आपको मेजॉरिटी ऑफ डिग्रीज के लिए सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है, तो उसमें IELTS दे सकते हो, PTE दे सकते हो, TOEFL दे सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट IELTS दो, क्योंकि हर कॉलेज का अपना अपना है, लेकिन IELTS सब लोग एक्सेप्ट करते हैं. Okay. तो मैंने IELTS किया था. और हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज है जैसे MBA करना है तो आपको GMAT देना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सिर्फ इंग्लिश के एग्जाम से ही मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस एंड मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रीम्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा. सो अभी लाइक व्हिच कोर्स यू डिसाइडेड, क्या यही कोर्स जो अभी कर रहा है वही करना था या फिर उसमें कोई चॉइसेस रखी थी देन यू डिसाइडेड कि ये कोर्स कर ऑप्शन? नहीं, मेरा थोड़ा फिक्स था कि बिजनेस ही करना है मेरे को, मतलब अभी जो मास्टर ऑफ बिजनेस में कर रहा हूं. ओके. मेरा वही फिक्स था कि मेरे को यही करना है. हाँ, मैंने स्पेशलाइजेशन यहाँ आने के बाद डिसाइड किया, बट जो मेजर कोर्स है, मतलब जो जनरल डिग्री है, वो मेरा पहले से डिसाइडेड था. ओके, तो मास्टर ऑफ बिजनेस, तो उसमें इंजीनियरिंग के जो ग्रेड्स थे वो सब काउंट होता है? इंजीनियरिंग के ग्रेड्स इन द सेंस वो सिर्फ एडमिशन में आपका यू नो फिल्टर करने के, फिल्टरिंग प्रोसेस में काउंट होता है, कि आपको जब एडमिशन चाहिए तो एडमिशन टीम आपका, क्योंकि वो ही एक ग्रेड है आपके पास, और कोई एग्जाम तो मान नहीं रहे. इंग्लिश के स्कोर के हिसाब से आपका और कैसे आपको फिल्टर करे, तो इंजीनियरिंग के ग्रेड्स उसमें देखते हैं, बट बाकी कुछ इतना मैटर नहीं करता. ओके, सो मतलब कितना कॉम्पिटिटिव था वहां पर एडमिशन लेना, इन विच यूनिवर्सिटी यू गॉट? कुछ कॉम्पिटिटिव नहीं था. Okay. मतलब एंटी क्लाइमेटिक आंसर है, आई नो, बट I got Monash University. It is probably the top 50 or top 60 in the world. इधर के, इधर जैसे ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सेप्ट है ग्रुप ऑफ एट, जैसे यूएस का आप लोग ने सुना रहेगा आईवी लीग कॉलेजेस, तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सेप्ट है ग्रुप ऑफ एट, विच इज द टॉप 8 यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया, तो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट. और इसमें मतलब Monash University में बेसिकली मैं बोलिया, और कॉम्पिटिटिव वाइज थोड़ा कॉम्पिटिटिव था बट इतना नहीं. आई वुड, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ ग्रेड पे ध्यान नहीं देते, आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है उस पर भी ध्यान देते हैं. एंड ऑस्ट्रेलिया में मुंबई यूनिवर्सिटी इज कंसिडर्ड अ गुड, मतलब गुड इनफ यूनिवर्सिटी, तो उससे आ रहे हो तो जैसे लेट्स कंसिडर लाइक NMIMS में अगर आपको 7 पॉइंटर आया तो
मुंबई यूनिवर्सिटी को 6.5 पॉइंटर सेम कंसिडर करेंगे। ओके समझा। वैसा वैसा इन लोग का फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है एडमिशन के लिए। यूनिवर्सिटी मतलब इंजीनियरिंग की या ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी मैटर्स ऐसे। मैटर्स। ओके। सो ये कोर्स वैसे यूजुअली कितने साल का होता है वहां पे? 2 साल। तो इधर चार सेमेस्टर में टूटता होगा। 4 सेमेस्टर बीच में। 1-3 इयर्स। सॉरी, कोई इंटर्नशिप या समथिंग बीच में कुछ होता है सर? मतलब आपको चाहिए तो कॉलेज के थ्रू भी कर सकते हो। मैंने जैसे किया था, मैंने खुद से इंटर्नशिप ढूंढा था मेरे लास्ट सेमेस्टर में, तो मैंने वैसे किया था। बट आपको चाहिए तो कॉलेज का, वो कॉलेज के कुछ ग्रेड्स में किसी पॉइंट्स में कंसीडर होता है या फिर आउटसाइड ऑफ द कॉलेज ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए? मत, वो आपका डिपेंड करता है। तो बोथ आर पॉसिबल। अगर आपको चाहिए तो आपका जैसे 1 या 2 सब्जेक्ट या यूनिट्स जिसको बोलते हैं इधर, उसको उसके ग्रेड्स आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के साथ। मैंने वैसा कुछ नहीं किया क्योंकि आई वाज इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स एज वेल एज आई वांटेड टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सो आई जस्ट वेंट विद इट। तो हाँ, इधर और दोनों चलता है। तो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ मुझे चाहिए तो, बट उसका एक बहुत बड़ा पेपर वर्क और एक बड़ा सा प्रोसेस होता है एंड नॉट ऑल कंपनीज क्वालिफाई फॉर दैट। तो देयर इज अ बिग बिग प्रोसेस बिहाइंड दैट। और ये मास्टर ऑफ बिजनेस कोर्स का है ना, समझ लो? तो इसमें यूजुअली सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, किस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं? तो मास्टर ऑफ बिजनेस एक ऐसा कोर्स है जो बनाया इसके लिए गया है जिसका कॉमर्स में बैकग्राउंड नहीं है। तो ये पर्टिकुलर कोर्स में काफी एंट्री लेवल सब्जेक्ट्स है, जैसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंसिपल्स ऑफ नेगोशिएशन। और इसके साथ साथ आप जो स्पेशलाइजेशन चूज कर दो, जैसे मैंने मार्केटिंग किया था, तो फिर मार्केटिंग के और थोड़े इंटेंसिव सब्जेक्ट्स, थोड़े इन डेप्थ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। बट एक जनरल बिजनेस का ओवरऑल आपको सिखा दे। So, usually, ये पूरी स्टडीज के रिलेटेड, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम की जाने के, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट पकड़ा, वहां से लेकर पूरा ग्रेजुएशन वहां पे खत्म, ग्रेजुएशन नहीं बोलेंगे, मतलब जो भी पूरा कोर्स है कंप्लीट करने का, यूजुअल एक्सपेंस कितना था? So, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ 8 का कॉलेज है तो इसका थोड़ा हाँ, मतलब थोड़ा इसका ट्यूशन फीस एक्सपेंसिव होता है। तो आई गिव एन एग्जांपल, तो इफ अ कॉलेज इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ 8, उसका जनरली ट्यूशन फी होता है। और नाउ वंस अगेन, ट्यूशन फी वेरीज फ्रॉम डिग्री टू डिग्री। तो मेरा ट्यूशन फी फॉर 2 इयर्स वाज अराउंड $92,000, जो रफली ट्रांसलेट करे तो 45-46 lakhs या 47 lakh इंडियन रुपीज में आता है फॉर 2 इयर्स। सॉरी, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, राइट? सिर्फ ट्यूशन फीस है। ओके। इसके ऊपर फ्लाइट कॉस्ट, तो मेरा फर्स्ट फ्लाइट कॉस्ट अराउंड 35,000 या 38,000 dollars था, इंक्लूडिंग वो स्पेशल सीट्स एंड एवरीथिंग। एंड लिविंग एक्सपेंस अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो जैसे मैं मेलबर्न में रह रहा हूँ, अगेन लिविंग एक्सपेंस सिटी टू सिटी बहुत डिफर करेगा। सिडनी इज स्लाइटली एक्सपेंसिव देन मेलबर्न, whereas बाकी सारी cities are slightly cheaper than Melbourne. If you want to live a good life in Melbourne, it'll cost you around $2,000 a month, roughly एक लाख दस हजार महीने का रहने का खर्चा। एक लाख दस हजार। okay, so overall खर्चा हम कह सकते हैं कि 50 lakh के आसपास, तो कुछ 50 आराम से भी ऊपर जाएगा आपका, उससे ज्यादा ही जाएगा। but अभी देन अगेन, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आप काफी कुछ खुद से निकाल सकते हो। तो हम लिविंग एक्सपेंसेस हटा भी दे सकते हैं इजीली, लिविंग एक्सपेंसेस हटा सकते हैं। मैं लोगों को जानता भी हूँ जो पार्ट टाइम जॉब करके अपना एक पार्ट ऑफ देयर ट्यूशन भर चुके हैं। ओके। तो ये जो लिविंग एक्सपेंसेस के अलावा, मतलब जो ट्यूशन फीस होती है कॉलेज की या तो यूनिवर्सिटी की, उसके अलावा कोई फीस नहीं होती? जैसे हमारी कॉलेज में एसी की भी फीस होती थी, पर फीस होती थी। ट्यूशन फी ये लोग इतनी ले रहे थे कि ये लोग उसमें सब कंसीडर कर लेते, तो और कुछ फीस नहीं होता आपका। अगर और बड़े खर्चे में
सोचने की कोशिश करूँ तो मेडिकल इंश्योरेंस फीस होता है विच इज अराउंड $1,300 फॉर द 2 years विच इज कंपल्सरी, तो 13 या 1400 होएगा, which roughly translate to 70-75,000. US dollar count होता है कि Australian dollars, सारे dollars Australian. तो उसका भी 55 पकड़ो करीब 55. Then एक तो medical insurance हो गया और कोई major खर्चा नहीं है. फिर आपके living habits के ऊपर है, कितनी shopping कर रहे हो, कितना party कर रहे हो, all of that. ये अच्छा, तो usually ये सारा अमाउंट करने के लिए बैंक यूजुअली लोन दे देता है, कितना टीडियस रहा था वो प्रोसेस बैंक लोन का? या ये अच्छा बैंक लोन नहीं अप्लाई अच्छा सॉरी. तो एनीवे चॉइस, तो वहां पे जाके फिर वहां का कल्चर कैसा है ना, मतलब कि कौन से कंट्री के ज्यादा स्टूडेंट्स है, कैसा है, पंक्चुअल है वहां के लोग, ऐसे यूजुअली कैसा कल्चर वहां पे दिखा? तो यहाँ पे स्पेशली मेलबर्न में काफी आउटडोर कल्चर है. लाइक आपको अगर एक डे ऑफ है ना तो कोई भी आपको घर पे नहीं दिखेगा, बाहर कोई कायाकिंग कर रहा है, कोई रन पे गया है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई हाइकिंग कर रहा है, कोई ट्रेकिंग कर रहा है, घर पे कोई नहीं बैठता है. लेकिन जैसी शाम हुई सब घर पे, मतलब 6 बजे इधर डिनर हो जाता है, 8-9 बजे तक सब लोग सो जाते, वैसा होता है इधर. तो फिर सुबह भी बहुत जल्दी उठते होगे. सुबह भी अच्छा खासा, हाँ जल्दी होता है इधर, क्योंकि आपको आप सुबह उठोगे आपको लोग दिखेंगे जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. काफी अच्छा है उस हिसाब से, काफी अच्छा कल्चर है, काफी फिटनेस को लेकर, काफी एटलीस्ट मेलबर्न इज वेरी मच गेट टुवर्ड्स इट. तो काफी आउटडोर कल्चर है, इफ आई हैव टू गिव वन वर्ड फॉर इट. बट हाँ, इट इज वेरी, देयर इज अ कल्चर शॉक इन्वॉल्व डेफिनेटली. बट हाँ, आउटडोर कल्चर है, लोग बाहर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि मेलबर्न के आसपास इतना पानी है. जैसे बीच है, एक मेलबर्न के बीच में से एक नदी भी निकलती है, तो वाटर स्पोर्ट्स इधर ज्यादा होता है. एंड ऑस्ट्रेलिया में ऑल ओवर ही वाटर स्पोर्ट्स काफी चॉइस ऑफ स्पोर्ट है लोगों का. तो हाँ, ये इधर का ज्यादा है, आउटडोर कल्चर है काफी. तो मतलब वहां पे कौन से कंट्री के स्टूडेंट्स यूजुअली ज्यादा मिलते हैं? यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मास्टर्स में देखा जाए तो चाइनीज सबसे ज्यादा है, देन इंडियन. तो इंडियन एंड लेट्स कंसिडर एशिया पैसिफिक, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, आपका ब्रुनेई, मलेशिया, ऑल ऑफ दैट. और फिर बाकी आपको काफी स्कैटर्ड मिलेंगे, तो जैसे कोलंबियंस, मतलब लेट्स जस्ट गो बाय कॉन्टिनेंट, सो लाइक साउथ अमेरिका, देन बिट फ्रॉम यूरोप, नॉट दैट मच, बिट फ्रॉम अफ्रीका, तो वो थोड़ा मिक्स हो जाता है. बैचलर्स में काफी ज्यादा डाइवर्स है, तो काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस, काफी ज्यादा अमेरिकन्स, लाइक नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन्स, काफी ज्यादा यूरोपियंस. तो बैचलर्स में एक थोड़ा डिफरेंट मिक्स है, बट मास्टर्स में ये ऑस्ट्रेलियंस है बेसिकली, जो वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वहीं के नेटिव है. वो कैसे मास्टर पढ़ाई में इन द सेंस, वो यूजुअली वहां पे उन लोग को कैसा कंसीडर किया जाता है, वो कैसे होता है? यूजुअली स्ट्रांग होते हैं एकेडमिकली, स्मार्ट होते हैं, ऐसा कैसे होते हैं? एंड हाउ दे सी इंडियंस, लाइक तो लाइक मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ मास्टर्स में रहा है. एंड द थिंग हियर इज बैचलर्स के बाद ही आपको एक, मतलब इधर मास्टर्स की एज सच जरूरत नहीं है. अभी हम मास्टर्स इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये कंट्री में आना है, बट इफ वी टेक इंडिया, मास्टर्स की इतनी जरूरत नहीं रहती आपको, बैचलर्स के बाद आपके स्ट्रीम में जॉब मिल जाती. तो मास्टर्स में सिर्फ वो ही लोग दिखेंगे जिनको एक्चुअली ज्यादा पढ़ना है, समझे, या फिर 2 साल का ब्रेक चाहिए. तो अभी मेरे ये 2 सेंटेंस से आप समझ लो कि कैसे आते हैं 2 साल के ब्रेक वाले, या फिर जो हाईली मोटिवेटेड है ये सब्जेक्ट को लेकर. सो यू गेट दैट डाइवर्सिफिकेशन. जो हाईली मोटिवेटेड है वो एकेडमिकली काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और जिनको पार्टी करनी हो पार्टी करेंगे. ठीक है. अच्छा, वहां पे कोई स्कॉलरशिप या ऐसा कुछ बंदोबस्त होता है? यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है, या फिर स्टेट स्कॉलरशिप समथिंग लाइक? तो स्टेट स्कॉलरशिप डॉक्टरेट में काफी होता है, मास्टर्स में कम है, बैचलर्स में काफी होता है. यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी तो स्कॉलरशिप्स डिफर करती है ऑब्वियसली, क्योंकि जितनी आपकी यूनिवर्सिटी ज्यादा प्रेस्टीजियस होती है उतने ज्यादा उसके डोनर्स होते हैं, उतने ज्यादा
कि स्कॉलरशिप भी बेसिकली कोई एक इंसान स्पॉन्सर कर रहा है, यूनिवर्सिटी खुद का तो नहीं देती है, देती भी है तो बहुत कम. तो बेसिकली वही है कि जितनी नाम वाली यूनिवर्सिटी लो, जितनी ज्यादा फेमस या प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी लो, उतने ज्यादा स्कॉलरशिप ऑप्शन है. एंड स्कॉलरशिप ऑप्शन डिफर अ लॉट इन टर्म्स ऑफ योर ब्रांचेस. सो मेरा कोर्स एक स्टेम कोर्स नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं है, यही होता है ना स्टेम. तो स्टेम कोर्स नहीं है मेरा, बट इसलिए इधर स्कॉलरशिप ऑप्शंस मेरे कोर्स में कम है, बट स्टेम कोर्सेज में और भी ज्यादा है, क्योंकि रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप्स, आपका प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, ये सब काफी ऑफर होते हैं, और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स तो ऑब्वियसली होते ही है. अच्छा, सो वैसे स्कॉलरशिप्स यहां से जब एडमिशन लेते तभी अप्लाई कर सकते हैं या फिर वहां पे जाके भी ऑप्शंस होते हैं? कुछ दोनों होते हैं, आप यहाँ से एडमिशन लोगे इंडिया से तो भी आप कर सकते हो अप्लाई, उसके लिए भी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स है which generally revolve around your academic scores, and यहाँ आकर भी कर सकते हो, which will again be subjected to something or the other. Okay. तो हाँ, Indian community कैसी है? मतलब काफी बड़ी है. काफी बड़ी है. Okay. काफी बड़ी है. एक और चीज I would like to add, India भी काफी, मतलब मुझे यहाँ आके पता चला India भी काफी अच्छी scholarship offer करता है. Like मैं इधर आके दो जगह हूँ, मैं इधर आके दो जन से मिला हूँ जिनका पूरा ट्यूशन फी इंडियन गवर्नमेंट ने पे की. तो अगर आई एम नॉट श्योर क्या प्रोसेस है, एंड आई एम प्रिटी श्योर वो जीमैट या ऐसे कोई एग्जाम के स्कोर्स पे बेस्ड है, बट इफ डन इनफ रिसर्च यू कैन एक्चुअली गेट योर ट्यूशन फी स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ऐसे आशीष ने भी मुझे कहा था जब हम कनाडा वाला सेशन कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट भी कनाडा में पढ़ने के लिए बच्चों को ऑलरेडी स्पॉन्सर करता है काफी हद में. हाँ, ये पता नहीं था मुझे, भी नहीं पहले पता था, ये अभी रिसेंटली मुझे भी आइडिया लगा. ठीक है, सो अभी मेलबर्न में, वहां पे यूजुअली तूने स्टार्टिंग से मेलबर्न में ही रहा है कि फिर कहीं और भी? नहीं नहीं, मैं सिर्फ मेलबर्न में ही रहा हूं, एंड थैंक्स टू कोविड और के जा भी. अच्छा, सो वहां पे लाइफ मेलबर्न की तो तूने मुझे बताई कि कैसी है. तो ये वहां पे यूजुअली साइड में जॉब करना चाहिए, कॉलेज के टाइम क्या होता है यूजुअली? इधर वहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया काफी बेटर है आई वुड आर्ग्यू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने देखा है यूएस में आपका सिर्फ कॉलेज के अंदर जॉब करना अलाउड है पार्ट टाइम, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है. एज लॉन्ग एज यू आर ओनली वर्किंग 40 आवर्स अ फोर्टनाइट, आपको जो जॉब करना है करो. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के इससे कुछ भी ये बोलते हैं क्या बोलते हैं बैरियर्स कुछ नहीं है, कि आपको जिधर भी जॉब करना है, बाहर गई पिज्जा हट में जाके कुछ करना है, कुछ भी करना है करो, नो वरीज. एंड यहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज भी काफी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन काफी कम, द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज इक्वेलेंट टू मुंबई का पॉपुलेशन, 2.5 करोड़ लोग है. तो इधर ब्लू कॉलर जॉब्स काफी अवेलेबल है. सो आई वुड गिव यू एग्जाम्पल्स, रेस्टोरेंट में बी इट अ शेफ, वेटर, किचन हैंड, ये आपका वेयर हाउसेज में काफी जॉब्स अवेलेबल है, एंड आपके नॉर्मल रिटेल स्टोर्स हो गए, ये सब में काफी जॉब्स अवेलेबल है. तो इस मामले में काफी अच्छा है ऑस्ट्रेलिया, एंड प्लस इधर का जो वेजेस है, मिनिमम वेजेस, वो भी काफी अच्छे है. तो आई वुड आर्ग्यू कि आप बेसिक जॉब करके भी आपका लिविंग एक्सपेंसेस आराम से निकाल लोगे, प्लस थोड़ा मनी भी सेव कर सकते हो, इतना अच्छे से आप कमा लोगे. ग्रेट. ओके, तो वैसे वहां पे यूजुअली मतलब कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, कॉलेज के आवर्स कैसे होते हैं, कि वो दैट इज हाईली वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स यू हैव चूज़न. तो इधर कॉलेज का टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके सब्जेक्ट्स के टाइमिंग्स होते हैं. ओके. तो मेरा अभी जैसे मैंने एक सब्जेक्ट लिया जो ऑफर होता है मंडे वेंसडे फ्राइडे सपोज, तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा, मंडे को ये 1-3 इसका लेक्चर है, वेंसडे को 3-6 है या 3-5 है, और फ्राइडे को इसका 7-9 है, इवनिंग में बात करो, इवनिंग 7-9 मेरे ऊपर है, मैं उसमें से कौन सा चूज करता हूँ और कौन सा अटेंड करने की, मतलब मेरे को ऑब्वियसली सेमेस्टर के स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ता है, बट काफी फ्लेक्सिबल. हाँ, वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज ऑल अप टू मी कि मुझे क्या चूज करना है. इवन कनाडा में भी ऐसा ही है, आशीष भी बता रहा था और शुभम भी बता रहे थे
कि कनाडा में भी ऐसा है कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टाइमिंग में, ऐसा हमारी इंडिया जैसा नहीं है कि आप सुबह 9 बजे आ जाओ, रात को 5 बजे निकलना है ऑलमोस्ट बीच इंडिया छोड़ के सब जगह ऐसा। मतलब पता नहीं। फिर एक्चुअली देखे तो ऐसी एक एक आदत अच्छी है कि एक फिक्स चीज हो, फिक्स टाइमिंग हो, बट वहां के लोग किस तरह से देखते हैं इस चीज को कि एकदम 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5 इसको। मैं एक रीजन बताता हूँ ये टाइमिंग ऐसा क्यों है। इधर के जो टीचर्स है, जैसे हमारे टीचर्स है, अभी मेरा स्पेशली क्योंकि मैं मैनेजमेंट में था, मेरे आधे से ज्यादा टीचर्स इंडस्ट्री से है हाँ खुद के इंडस्ट्री में फुल टाइम जॉब्स है उनके, तो लोग फ्री ही 5 बजे होते, तो लोग लेक्चर ही 6 बजे लेने आए। समझा। और जैसे असिस्टेंट लेक्चरर्स होते हैं जो लोग ट्यूटोरियल्स देते हैं, डाउट सॉल्विंग करते हैं, तो वो लोग अपने लंच ब्रेक में एक लेक्चर रखते हैं, तो 12 से 1 उनका होता है। वैसा करके यहाँ डिवाइडेड है, तो दे द टीचिंग इज लाइक द सेकेंड जॉब। हर एक की बात नहीं कर रहा, जो डॉक्टरेट कैंडिडेट्स है, जो लोग फुल टाइम टीचर्स है उनकी बात नहीं कर रहा, बट काफी हद तक ऐसे भी टीचर्स है इसके लिए इतना फ्लेक्सिबल है कि इट इज फ्लेक्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं माचू। यूजुअली वहां का एकेडमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? यूजुअली कोई भी कोर्स होता है जैसे कि योर कोर्स एंड एवरीथिंग एल्स, कैसा स्ट्रक्चर होता है? कितने साल, कितना सेमेस्टर, सब्जेक्ट्स? यहाँ पे आपका सेमेस्टर वाइज होता है बेसिकली, तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि आपके कितने क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए एक डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली आपको एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो मेरा मास्टर्स था, उसके लिए 16 सब्जेक्ट्स थे विच वर डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स और 4 सब्जेक्ट्स ईच। तो ऐसे आपका चलता है इधर, तो आपका सेमेस्टर वाइज पैटर्न होता है एंड डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चेंज, हेंस द नंबर ऑफ इयर्स चेंज। ओके, सो ये जो सब्जेक्ट्स है उसे हम यूनिट बोलते हैं क्या वहां पे? ओके, हाँ इधर उसको यूनिट बोला जाता है। तो वो क्या मतलब, उसको कंप्लीट डिटेल एक ही सब एक ही यूनिट में सारी डिटेल आ जाते हैं? जैसे कि हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो एक ही सब्जेक्ट का कुछ हिस्सा एक सेमेस्टर में, कुछ हिस्सा नेक्स्ट सेमेस्टर, जैसे मैथमेटिक्स 4 सेमेस्टर तक था, क्या वहां पे भी ऐसा तोड़ तोड़ के होता है कि एक यूनिट में पूरा रिगार्डिंग पूरा जो रिलेशन होता है सब्जेक्ट का वो सब एक ही साथ ले लिया जाता है? मैं समझ रहा हूँ। तो इधर क्या होता है ना, इधर आपके सब्जेक्ट्स आप खुद चूज करते हो, हर तो सेमेस्टर में जैसे हर सेमेस्टर में मेरी मर्जी मैं कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ूं। कंटिन्यूटी कुछ जैसा कुछ नहीं होता सब्जेक्ट कि होते हैं, कंपलसरी है? मैं वही बता रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कोर्स के लिए कंपलसरी है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अगर आपको ये सब्जेक्ट चाहिए तो उससे पहले आपको ये पढ़ा रहना कंपलसरी है। तो कनेक्टिविटी आप डिसाइड करोगे, वो लोग सिर्फ आपको प्री रेक्विजिट देंगे कि भाई अगर आपको डिग्री चाहिए तो ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे ना डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ना था। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मेरा प्री रेक्विजिट था कि भाई बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना कंपलसरी है। तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ा और 4th सेमेस्टर में डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ा। तो जरूरी नहीं है कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में ही दूसरा सब्जेक्ट लू, या कितना बड़ा गैप हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस यही है कि आपका प्री रेक्विजिट्स कंप्लीट होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। अच्छा, एंड मतलब वहां के यूजुअली टीचर्स कैसे होते हैं, मतलब वो कैसा टीचिंग रखते हैं? यहाँ पे ज्यादा सेल्फ स्टडी को बढ़ावा दिया जाता है एटलीस्ट इन मैनेजमेंट। ओके, तो टीचर्स आएंगे आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, होमवर्क ऐसा कुछ नहीं होता है, बट हाँ एक्सपेक्टेड रहता है कि आप थोड़ा पढ़ो घर जाके, क्योंकि इसके जो असाइनमेंट्स रहते हैं वो आपका इंडिया से काफी डिफरेंट रहता है। हमारा जैसे एटलीस्ट अभी अपना अपन इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा कैसा था भाई, ये 10 क्वेश्चन है लिख के ले आओ, या सब लोग को सेम था। इधर ऐसा नहीं, सब लोग को कॉन्सेप्ट सेम रहता है लेकिन टॉपिक सबका डिफरेंट रहता है। मेरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, अकाउंट्स एक सब्जेक्ट था, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, अच्छा उसमें मेरा एक असाइनमेंट था, सब लोग को इन रैंडम 2 कंपनीज दे दी थी सेम सेक्टर में। तो मुझे 2 कंपनीज मिली थी हेल्थ केयर सेक्टर में, और मुझे उनके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखकर मुझे सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस ये सब बताना था। मेरा इतना टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है
कि इनके असाइनमेंट्स इतने कॉन्सेप्चुअली बेस्ड होते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर आपके 3 घंटे के लेक्चर में कभी नहीं होगा, उसमें से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, लेकिन इन डेप्थ आपको घर जाके पढ़ना। तो और क्योंकि यहाँ ऐसे 9 to 5 कॉलेजेस नहीं होते, मेरे ऐसा ऐसा होता था कि हफ्ते में 3 ही दिन लेक्चर्स हो रहे हैं, वो भी 4-4 घंटे ही सपोज, तो मेरे पास कितना ज्यादा टाइम बचा है फ्री। अभी आपको मास्टर्स डिग्री ऐसी नहीं मिल जाएगी, आपको वो टाइम यू आर एक्सपेक्टेड कि आप वो टाइम पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, कुछ डाउट्स है तो टीचर्स को अप्रोच करो और उस हिसाब से आपके असाइनमेंट्स करो। तो इधर सेल्फ स्टडी को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, टीचर्स भी सेल्फ स्टडी में। टीचर कैसे अप्रोचेबल होते हैं, मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटी में जाते ही कि फिर? अभी जैसे मैंने बताया कि काफी टीचर्स के फुल टाइम जॉब्स भी है, तो उनकी अवेलेबिलिटी काफी लेस हो जाती है। There are ways around it. अपने assistant teacher से पूछ लो, and obviously teacher to teacher काफी differ करता है approachability. कोई teacher ऐसे होते जो बोलते हैं भाई lecture या lecture के बाद ही मेरे से बात करो, बाकी हफ्ते में मैं available हूँ। कोई teacher ऐसे होते कि आपको बाहर coffee पे मिल लेंगे, कि बोलते अभी suppose मुझे एक doubt था, मेरे को मेरी ma'am से मिलना था and उनके पास time नहीं था, क्योंकि उनका 9 to 5 job होता है एंड फिर 5 के बाद उनके लेक्चर होते हैं। मैं उनसे सुबह 8-8 बजे कॉफी पे मिला और उधर मैंने उनसे बात पूछा, कॉफी इन द सेंस नीचे कॉलेज के कैफेटेरिया पे मिल लिए या उनके जॉब के पास पे कहीं उधर कैफेटेरिया पे मिल लिए, बैठ के कॉफी भी पी ली और जो भी डाउट्स है वैसे सॉल्व कर लिए। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस, बट इट डिपेंड्स ऑन टीचर कितना अच्छा है कितना बुरा है। So, after graduation, usually वहाँ पे job कैसे find करते हैं? वहाँ पे जो भी degree खत्म हो जाती है, course खत्म हो जाता है। So, this differs a lot from what happens in India. India में हमारा campus placement होता था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे कॉलेज का भी एक jobs website है, उधर भी companies अपने availabilities डालते हैं, आपको चाहिए तो वहाँ से ढूंढो, या फिर Seek, Indeed, LinkedIn, ये 3 सबसे major platforms है, websites है जिधर लोग जाके job ढूंढते हैं। उसके बाद आपके जो रिक्रूटमेंट फॉर्म्स है उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट्स है, उधर से भी लोग जाके जॉब ढूंढते हैं। सो मुझे नहीं लगता ये कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट जो है वो इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, क्या लगता है? स्टूडेंट्स के नजरिए से देखा जाए तो आई वुड से स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में भी आप लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हो, इंडिया में भी और भी वेबसाइट्स है, बट एक और अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास ढूंढने की कि जितना यहां से बहुत इजीली मिलेगा बाकी सबके कंपेयर में। एग्जैक्टली, बट नॉट नेसेसरीली बेस्ट मिलेगा, बेस्ट you know, क्योंकि नहीं, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सी कंपनीज आ रही है कैंपस प्लेसमेंट में। कैंपस प्लेसमेंट में से वही कंपनीज आ रही है जिनके पास कैपिटल है कॉलेज को देने के लिए, कॉलेज पैसा लेता है कंपनीज से टू गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू हायर यू। कंपनीज कभी फ्री में नहीं आती है कॉलेज में, कॉलेज अच्छा खासा पैसा लेता है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि एक साथ में पैसा लेता है कि पर स्टूडेंट हायर्ड पैसा लेगा, बट कॉलेज हार्डली कोई कॉलेज होएगा, आई डोंट थिंक सो कोई कॉलेज है जो फ्री में कंपनीज को लाता है। तो वो एंड राइटली सो बिकॉज दे नहीं राइटली सो बिकॉज दे पुट इन अ लॉट ऑफ एनर्जी। हमें काफी लेक्चरर्स, अभी हमारा भी जैसे हुआ था तो प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग होता था हमारा, तो उसमें काफी लेक्चरर्स होते थे, सैटरडेज को लेक्चर रखते थे, उसमें उनका भी पैसा जाता है, आई एम नॉट शिटिंग ऑन एनीवन, बट हाँ, तो उसमें सारी कंपनीज नहीं आ पाती और काफी स्टूडेंट्स का ऐसा होता है जो लोग अपना जॉब सर्चिंग का जो व्यू है सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट तक ही रखते हैं। तो इफ दैट इज द केस इट इज अ डिसएडवांटेज, बट आई वुड हाईली आर्ग्यू दैट इट इज अ मैसिव एडवांटेज फॉर स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू कॉलेज प्लेसमेंट्स। ओके ठीक है, अभी आफ्टर लाइक ग्रेजुएशन और आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स क्या यूजुअली थिंकिंग है कि अभी और आगे पढ़ना है या आगे वहीं पे जॉब करना है, फिर थोड़े टाइम बाद इंडिया में आना है, कैसा? एंड व्हिच इज द मैं तो अभी फिलहाल दैट अगेन डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर गोल। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मेजॉरिटी लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे जॉब करके यहाँ सेटल होना है जिनको, तो यहाँ का परमानेंट रेसिडेंसी एंड इवेंचुअली सिटीजनशिप लोगों को चाहिए, मेजॉरिटी लोग ऐसे मैंने देखे। मेरा जहां तक बात करें तो मेरा ऐसा कुछ खास डिसाइडेड नहीं है कि मैं यहाँ ही सेटल होना है मुझे,
आई एम ओपन टू द अपॉर्चुनिटी बट आई एम नॉट डेड सेट ऑन इट, मैं इंडिया भी वापस जा सकता हूँ. ग्रेट. सो वहां पे अगर इन केस तुझे वहां पे ही सेटल होना ऐसा सोचा तूने, तो व्हाट लाइफस्टाइल यू एस्पायर, लाइक कि कैसा तुझे लाइफस्टाइल वहां पे चाहिए थोड़े समय बाद? जैसे कि हम यहाँ पे सोचते रहते ना कि मैं थोड़े साल बाद ऐसी लाइफस्टाइल जीने के लिए अभी स्ट्रगल करूंगा, मेहनत करूंगा सब, तो व्हाट इज द लाइफस्टाइल देयर? आई कैन टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया इन कॉन्ट्रास्ट विद इंडिया. इंडिया में हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प होती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती है. होती है तो बहुत एक्सपेंसिव है, एक नॉर्मल इंसान नहीं हायर कर सकता. तो ऑस्ट्रेलिया में यू आर एक्सपेक्टेड टू डू ऑल योर चोर्स बाय योरसेल्फ. तो आपका बर्तन धो लो, घर साफ करो, झाड़ू पोछा जो भी होता है आपको खुद का खुद ही करना. तो आपका आप ये कह सकते हो कि वीकेंड का एक दिन तो इसमें चला जाता है, कपड़े धो जो भी है, घर साफ करो, एक्स वाई जेड, अगले हफ्ते की मील की प्रेपरेशन करो, क्योंकि आप 9 to 5 तो जॉब कर रहे हो. इंसान कितना ही कर पाएगा उसके अलावा, थक भी जाता है और भी काम होते हैं. तो एक ये सोचना पड़ेगा कि आपका काफी आपको हाउस होल्ड काम खुद से करना है, बट लाइफस्टाइल काफी अच्छी है यहाँ पे. उसके अलावा कि आपके जो वेजेस है, आई वुड से एक ऑन एन एवरेज एक स्टार्टर 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बिफोर टैक्स कमाता है, तो विच इज अराउंड 32 lakhs इंडियन रुपीस पर ईयर. इसमें आप एक काफी डिसेंट लाइफ जी सकते हो, और ये तो स्टार्टिंग बता रहा हूं, तो इसके ऊपर ही जाएगा. तो अगर किसी को जॉब करना है और ऑस्ट्रेलिया में सेटल, ऑस्ट्रेलिया वुड प्रोवाइड अ मच बेटर लाइफस्टाइल करंटली एज कंपेयर टू इंडिया राइट नाउ. तो अगर आपको जॉब हो गया, सेटल होना है, तो आप एक खुद का घर 5-10 साल में बना सकते हो, आप खुद की गाड़ी ले सकते हो 1 साल में. अब मतलब यू नो, आप इतना अभी जैसे इंडिया में आप इतना नहीं कमा पाओगे, बट ऑस्ट्रेलिया में आप इतना कमा रहे हो कि आपकी ऐसी लाइफस्टाइल बन जाएगी. वहां पे चीजें इतनी एक्सपेंसिव होती है, मतलब अभी मैं एक्सपेंसिव की बात जब मैं करता हूँ तो मैं ऐसा देखता हूँ कि यूजुअली कितना लोग कमा रहे हैं और उसके सामने खर्चा कितना जाता है, तो वो जो बीच का डिफरेंस है वही एक्चुअली अर्निंग हुआ. तो वो परसेंट वहां पे यूजुअली और इंडिया में कम है, वहां पे ज्यादा ऐसा? देखो वो बहुत ही ज्यादा लाइफस्टाइल चॉइस पे डिपेंड करता है फर्स्टली, क्योंकि एवरेज पर्सन की अगर हम बात करें, जैसे आई वुड से डे टू डे थिंग्स, आपकी जो जैसे नॉर्मल आप ग्रोसरीज ले लेते हो या ये सब, वो थोड़ी इंडिया से ज्यादा एक्सपेंसिव मैं कंसिडर करूंगा उसको. ईटिंग आउट, बाहर जाके खाना खाना, इंडिया से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव कंसिडर करूंगा मैं उसको. लेकिन वेयर इट इज अ गेम चेंजर इज बड़े एक्सपेंसिस, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, वो इंडिया से चीपर कंसिडर करूंगा. नॉट रेट वाइज, बट आप इतना कमा लेते हो कि आपकी कैपेबिलिटी बहुत जल्दी बन जाती है. लाइक इंडिया में अगर आप लोगे, इंडिया में अगर आप 30 साल का लोन लोगे तो आपको बकायदा 30 साल लगेगा उसको चुकाने में, पर ऑस्ट्रेलिया में आप 15 साल में करके निकल लोगे. वैसे भी है, मैं एक मेजोरिटी में सेंस में बोल रहा हूँ, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से. ऑब्वियसली इंडिविजुअल केस सिनेरियोज अलग होते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में नॉट नेसेसरीली आपको एक व्हाइट कॉलर जॉब करके ही आप पैसा कमाओगे. एक इंसान जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है ना, वो भी साल का $70,000 आराम से कमा लेता है, तो उस हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल काफी बेटर है, बेटर हो सकती है ऑस्ट्रेलिया. तो जो बंदा यूजुअली 70,000 डॉलर बोलो ना तुमने, अगर उतना अर्न कर रहा है तो यूजुअली उसका एक्सपेंसिव एक्सपेंस क्या होता होगा, जैसे कि कितना एक्सपेंसिव होता होगा उसके लिए? यार मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्ट है. एक मतलब अभी कोई उतना ही कमा रहा है तो उतने के लिए ही, मतलब उसकी लाइफस्टाइल अभी उस हिसाब से नॉर्मल डाउन ही होगी, इतने कुछ हाईफाई नहीं हुए. यूजुअली 70,000 अगर आप कमा रहे हो तो
तो टैक्स कट के आपके हाथ में 52-53,000 आएगा, 53% वहां पे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, तो अप टू $18,000 कुछ भी टैक्स नहीं लगता है, 18-32,500 कुछ है, उस पे 1% है, मतलब कुछ 18 या कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ कुछ इसका प्रोग्रेसिव है, तो जैसे आपका 32,000 तक कमाया तो इतना टैक्स लगेगा, 45 तक कमाया तो इतना टैक्स लगेगा, उसके ऊपर कमाया तो इतना टैक्स लगेगा, वैसा आपका चलेगा। तो हाँ, तो एक रफ एस्टिमेट में बता रहा हूँ कि 52-53,000 आपके हाथ में आए, और उसके बाद आई वुड से अगर एक सिंगल इंसान 1 BHK में मेलबर्न जैसी सिटी में रहे तो उसका मंथली एक्सपेंस 2500 जाएगा, कि 1 BHK सर एक्सपेंस है, तो 2500 जाएगा, और आप महीने का 4,100-4,200 के करीब कमा रहे हो। अगेन मैथ्स मेरे दिमाग में चल रहा है तो मे नॉट बी एग्जैक्ट, बट हाँ कुछ आप उतना कमा रहे हो, तो आपके पास एक गुड क्वेश्चन $1,300 का बचता है, $1,800 का बचता है, तो उसको आप सेव करो, उड़ाओ, उससे आप कैसे रहो वो आपके ऊपर है। देन अगेन अभी आप फ्रेंड्स के साथ शेयर हाउस में रहो तो वही आप जो मैंने 2500 बोला वो आप 1800 में ला सकते हो, तो आपका लिटरली रिवर्स हो गया, आप 2500 बचा रहे हो, तो कितना फर्क पड़ गया, आप लिटरली महीने का 1-1.5 लाख रुपया आप बचा सकते हो। अब उसको आप इंडिया भेजो, उसको आप यहाँ इन्वेस्ट करो, उसको आप घर बनाने में यूज करो, वो आपके ऊपर। ठीक है, सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन। हिमांशु, क्या वहां की बेस्ट 3 चीजें हैं जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहिए, बाकी सारी कंट्रीज को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चूज करना चाहिए? सर, 3 फैक्टर्स। एक मैं बहुत स्टूडेंट स्पेसिफिक बोलू तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम कहीं भी कर सकते हो, तो आपके पास पार्ट टाइम करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो आप काफी जल्दी वर्कफोर्स में एंगेज हो जाते हो। आपको ऐसा मत सोचो कि कोई पार्ट टाइम बड़ा है कोई छोटा है, क्योंकि आपको हर जगह कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको हर जगह एक हायरार्की क्या होती है वर्क प्लेस में वो एक्सपीरियंस मिल रहा है, विच इज वेरी डिफरेंट इन ऑस्ट्रेलिया एज कम्पेयर टू इंडिया, वेरी डिफरेंट। लाइक इधर आप एक नॉर्मल जैनिटर भी हो ना तो भी आपको रिस्पेक्ट है, लाइक आपको सब लोग अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उतना ही कमा रहे हो जितना आपका बॉस कमा रहा है, 2-3 हज़ार कम, तो आपके पास पार्ट टाइम करने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सेकेंडली यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, मतलब मंडे टू फ्राइडे काम बोला तो मंडे टू फ्राइडे ही होगा, सैटरडे को किसी का कॉल भी नहीं आने वाला, इतना अच्छा है यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि सब लोग को पता है उनकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज किधर है। आपका बॉस आपको रात के 10 बजे कॉल नहीं कर सकता, कॉल करोगे तो आप केस कर सकते हो बेसिकली, बट जोक्स असाइड काफी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है इधर। काफी कंपनीज में जानता हूँ जो अभी 4 डे वर्क वीक पे स्विच हो रही है, तो सिर्फ मंडे टू थर्सडे काम करती है, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी, तो इधर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, सेकेंड वो बोलूंगा। और थर्ड इधर ये बोलूंगा कि काफी लाइक मैं अभी मुंबई से हूँ तो स्पेस काफी ज्यादा है, लाइक मेलबर्न के मेन CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाकी अगर आप बाहर जाओगे ना तो सब लोग बंगलोज में रहते हैं, कोई भी बिल्डिंग में नहीं रहता, समझ रहे हो, तो आपके पास बंगलो है, पीछे गार्डन है, उसका छोटा सा लॉन है, जो भी है, एक ओवरऑल स्पेस काफी बढ़ जाती है, सब कुछ है। हाँ, तो एक वो काफी अच्छा हो जाता है इधर, जैसे रोड पे खड्डे नहीं है, ये सब तो चलो सुनते ही रहोगे, बट नॉर्मल मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे कल्चर काफी अच्छा है, मेलबर्न स्पेशली आउटडोर कल्चर काफी अच्छा है, तो हाँ, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक्टिव रहना पसंद करता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो मजा आएगा ऑस्ट्रेलिया में। एंड सेम उसके काउंटर पार्ट, जैसे कि वर्स्ट पार्ट क्या है वहां पे पढ़ाई का? वैसा सबसे ज्यादा वर्स्ट पार्ट तो यार घर से दूर रहोगे, सेकंड वुड बी एक्सपेंसेस है, तो मतलब यू नो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, लोन हो कुछ भी हो, इट इज नॉट चीप स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटीज दूसरी चूज करते हो, थोड़ा रिमोट एरिया में जाते हो, तो यू कैन रिलेटिवली रिड्यूस योर कॉस्ट, बट इतना भी चीप नहीं है। एंड थर्ड वुड बी
मेरा से वर्स्ट तो कुछ नहीं है, मतलब अच्छा ही अपने प्रोज एंड कॉन्स है, बट कुछ ऐसी चीज होगी ना जो तूने ऑब्जर्व की होगी, अरे ये ठीक नहीं है ऐसा ठीक ऑस्ट्रेलिया नहीं है में मतलब। कंपेयर हाँ टू बाकी सारी कंट्रीज। मतलब जैसे सर्टेन, अभी जैसे मेलबर्न में बोलूँ तो थोड़ा ड्रग प्रॉब्लम है, आपको ड्रग एडिक्ट्स काफी दिखेंगे रास्ते में, नॉट दैट दे हार्म यू, वो लोग अपना काम कर रहे हैं आप अपना काम कर रहे हो, बट इट इज नॉट अ प्लेजेंट साइट टू सी, लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे, दैट ओके इज वन थिंग। ग्रेट। तो अभी जो भी हमारे स्टूडेंट्स है यूजुअली दे आर पासिंग आउट 10th स्टैंडर्ड एंड समथिंग, तो उनके लिए क्या एक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस है जो वहां पे पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट जो अभी आने वाले फ्यूचर में है उनको दे सकता है वैसा? एक एडवाइस मैं ये दूंगा कि एक्चुअली दो एडवाइस दूंगा, एक ये होगा कि पहले से ही आप, मतलब पहले से नहीं बट जितनी जल्दी हो सके आप डिसाइड कर लो आपको करना क्या। ऐसे मत सोचो कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे कहीं भी बाहर जाना है और वहां जाकर मैं डिसाइड करूंगा क्या क्या पढ़ूंगा। एक एक स्ट्रीम कुछ तो दिमाग में ले आओ, एंड सेकेंड वुड बी हो सके इफ इफ योर कंडीशंस अलाउ यू बेटर देन मास्टर्स डू अ बैचलर्स, क्योंकि आफ्टर बैचलर्स या आफ्टर मास्टर्स मोर और लेस आपको अपॉर्चुनिटी सेम ही मिलती है, ऑब्वियसली मास्टर्स में थोड़ी ज्यादा मिलती है, बट आप अपना 2 साल एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो पढ़ने में, उससे अच्छा आप वो 2 साल काम करके आपका एक्सपीरियंस बढ़ाने में यूज कर सकते हो, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटीज और भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ लो। बैचलर्स में इतना, बैचलर्स में आपका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा होगा क्योंकि इंडिया से कंपेरेटिवली यहाँ की यूनिवर्सिटीज काफी बड़े हैं, काफी इवेंट्स होते हैं, मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस है। और मास्टर्स में जब आप आते हो तो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि यार अभी खेलने कूदने का टाइम, गया पढ़ो काम करो कुछ और करो, तो मजे भी ज्यादा होंगे और पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपका 2 साल बचेगा। तो आई वुड सजेस्ट इफ इट इफ योर कंडीशंस परमिट यू डू अ बैचलर्स रादर देन अ मास्टर्स, मतलब 12th के बाद ही शिफ्ट हो जाओ रदर देन के ग्रेजुएशन। बाद ही। हाँ ग्रेट, तो थैंक यू वेरी मच हिमांशु कि यू टुक आउट सम टाइम एंड स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए सेशन लिया। एनी बाकी टाइम, अगर उनको कुछ भी वैसे डाउट रहेगा तो बच्चों आप यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड हिमांशु को भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ही सकते हो, मेरे फॉलोड में दिखेगा। अदरवाइज हिमांशु योर इंस्टाग्राम हैंडल इज मानशो अंडरस्कोर गुप्ता एडिट करके डाल देना उसमें। हिमांशु अंडरस्कोर गुप्ता। ओके तो आप बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कुछ भी जरूरत पड़े तो यू कैन डेफिनेटली डीएम अस, और आपको हम जब भी ऐसे रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आपको ऐसे कुछ सजेशन चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने सारे फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी एक नॉलेज मिले। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा तो उनको पहले से आइडिया रहेगा। इट इज नॉट नेसेसरीली कि हर बच्चा जो ये वीडियो देखे वो जाए, लेकिन ज्यादा नॉलेज रहेगा तो यू कैन टेक बेटर डिसीजंस। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।